मैंने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जहां पे मैं एक पीछे वीडियो बना रहा था अभी मेरा कलाकार भाई जो कैमरा पकड़े हुए है उसके साथ, और थोड़ा सा आगे आया तो यहां पे हल्का सा टर्न है, केएमपी का जो हल्का सा टर्न है, निचाई है, ये डेंजर थोड़ा सा जोन में है। तो मैंने देखा यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, इंटरसेप्टर क्यों खड़ी है, तो देखा कुछ गाड़ियाँ रोक रखी थी कि ये गाड़ी है। पूछ लेते हैं, भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। बढ़िया हो? कैसे हो भाई? बहुत अच्छे भाई। ये गाड़ियाँ क्यों रोक रखी हैं? ये जो ओवर स्पीड में चलते हैं, एक्सीडेंट का डर होता है, इस वजह से लोगों को समझाने के लिए। ओके ओवर स्पीड के कारण। भाई कैसे हो आप? देखो यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये हमारी जो पुलिस वाले हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, सीरियसली। हम आगे चलते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ इस गाड़ी से 4-5 बंदे उतर के आगे गए हैं, और क्या कुछ बातें चल रही हैं। शायद ओवर स्पीड के कारण इनको रोका गया है। वैसे तो इस पर फुल हाई स्पीड से चलाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर क्यों रोका गया? शायद 80, 100, 120 चला सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कहीं पुलिस नहीं खड़ी पाई, यहाँ पर क्यों पाई, क्या कारण है, हम जान लेते हैं। भाई हमें इसको पहले बंद। जय हिंद जी, जय हिंद। और जी कैसे हो आप? ठीक है जी। अच्छा, ये इंटरसेप्टर यहाँ पर क्या काम करती है सर? ये स्पीड ओवर स्पीड के चालान कर। तो केएमपी रोड पर ओवर स्पीड होती है यहाँ पर? जी, मतलब होती है। ये डेंजर जोन में है शायद? जी, यहाँ 60-40 की वो है। अच्छा, मैक्सिमम 60-40 की है। पहाड़ी एरिया जो पहाड़ी एरिया का जो है, अच्छा, इसमें 60-40 की है। अच्छा, बाकी 80 और 100 है। ओके, तो ये जो टूट फूट है, ये एक्सीडेंट के हैं, ये जो यहाँ पर लग रहे हैं, जैसे आगे सड़क फटी हुई है शायद? हाँ, ये एक्सीडेंट के। तो जो ये भाई आ रहे थे, ये ओवर स्पीड में थे? ये ओवर स्पीड में। ओके, तो जी ये ओवर स्पीड के कारण रोक रखे हैं। इंटरसेप्टर ये गाड़ी है। मैं फरीदाबाद एक ऑफिस में गया था, वहाँ पर इंटरसेप्टर जो मैनेज करता है, जो सिस्टम को देखता है, जानता है उसके बारे में, उस ऑफिस में भी गया था, वहाँ पर इसी चीज़ की पढ़ाई करवाते हैं। और बता रहा था मैं, 30 सीट वहाँ पर होती हैं, और 30 सीट में 30 के 30 बच्चे नौकरी लगते हैं। यार मेरे को याद आ गया है वो बात। तो ये इंटरसेप्टर वहीं पर बनती है, मशीन भी यहीं रखी है, और कैसे वो चेकिंग होती है वो दिख भी जाता है यहाँ पर। अगर कोई कहे सर कि हमारी चेक करवाओ स्पीड, चेक हो जाती है? हो जाती है इसमें। हाँ जी सर। हाँ जी, हो जाती है यहाँ पर? हो जाती है चेक। प्रिंट निकल जाता है? अच्छा, प्रिंट भी निकल जाता है। भाई कोई कह दे ना जी हम ओवर स्पीड, जैसे ये गाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, ये गाड़ी ओवर स्पीड चल रही है। ओके, ये 69 पे चल रही है। अच्छा अच्छा जी, और आप इस पे देख सकते, इस पे क्लियर आएगा, इस पे देख सकते हो, ये 69 है। ओके, यहाँ इनकी स्पीड है 40 की, 40 चलना था इनको पहाड़ी एरिया में। और इनका जब प्रिंट निकालना है, और ये प्रिंट निकल गया इधर से। ये इनका प्रिंट, मतलब ये गाड़ी है, फोटो भी आ गई, उसका सारा सिस्टम, उसकी स्पीड भी ऊपर, स्पीड भी ऊपर आ गई, भी इतनी मैक्सिमम चलनी थी ये, लेकिन चल रही है 69। आज की डेट है, टाइम है, सब चीज़ है, आज का सब कुछ आ गया। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस। ओके, डेट, ये डेट टाइम। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं सर आप? मेवात जी। मेवात से? नौ जिला। ओके, तो ये मेवात से। और देखो भाई, कई बार डिबेट हो जाती है, चंडीगढ़ में भी कई जगह ऐसी डिबेट होती है, कई बार हरियाणा में कई जगह। अब यहाँ पर फोटो समेत, टाइम समेत सब कुछ लिखा आता है, भाई आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से चली हुई थी, झूठ मत बोलो। कई बार ड्राइवर मेरे जैसा और स्मार्ट बन जाता है, ना जी मारी इतनी कौन बात रही, दिखाओ। तो यहाँ पर दिखाने के लिए प्रिंट है। और यहाँ के जो मुझे पता नहीं नो मेवात के कौन SP या DSP हैं, तो उन्होंने मुहिम चला रखी है सर ये जी। देखो ट्रक कितना आराम से आ रहा है, हो सकता है ये पुलिस वालों की इंटरसेप्टर देख कर आराम से हो गया हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि गाड़ी को आराम से चलाना ही है। ये पुलिस वाले किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए। गाड़ी तेज चलेगी, एक्सीडेंट होगा, नुकसान किसको? इनका तो नुकसान नहीं है। तो मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। जी जी, सारा दिन ड्यूटी लगी रहती है सर आपकी? सारा दिन। तो भगा भी जाते होंगे जी लोग यहाँ से? कुछ भाग भी जाते हैं जी। फिर उसका इलाज?
उसके नंबर आ जाते हैं, फिर उसके प्रोसीजर उस बाद में शुरू होता है, आगे कार्रवाई हो जाती है, उसकी कार्रवाई अलग करते हैं उसकी। ओके, तो जी ये सभी समस्याएं समाधान आप सब के लिए, जनता के लिए। और खैर गाड़ी वाले भाई पीछे भी खड़े हैं, पर क्या बात करनी है उनसे, ओवर स्पीड का मैटर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, ओके, बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा जी, प्लीज़ ये और ले लो, ये घाटी में पूरी में बोर्ड लगे हुए हैं 60-40 के। ओके, ये बोर्ड और ले लीजिए आप। ठीक है जी, उसमें थोड़ा, हाँ सच बात है, मन से तो नहीं बना रखी है। हाँ ये बात भी भाई, अपने मन से तो नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगा है। कहती है कि मन से बना, आप मन से खड़े हो। हाँ, बोर्ड लगे हुए हैं, ये कोई हमने नहीं लगाए जी, ये अथॉरिटी नहीं लगाई है, जो NHAI जो अथॉरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, रोड की यहाँ एक्सीडेंट खूब ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर स्पीड लिमिट करी गई है। ओके, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसका मुंह उधर है, बोर्ड है जी, जी। सेकंड लास्ट वो दिखाई दे रहा है आगे बेंड पर, जी जी, तीन बोर्ड उससे आगे हैं, एक बड़ा बोर्ड सेंटर में लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा सीरियस बेंड अहेड ड्राइव स्लो जी। ये बोर्ड लगा हुआ हैवी व्हीकल के लिए 40 और गाड़ी नॉर्मल कार के लिए 60। लोग फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी नहीं मानते, फिर भी कुछ काफी कंट्रोल है, फिर भी कंट्रोल है। आपके लिए दिक्कत क्या आती है यहाँ पर, अगर SP मैम देखें इस बात को, समझें, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं आपको यहाँ सामना करने के लिए? दिक्कत तो क्या, हम तो यही कहते हैं जी कि अपना स्पीड नॉर्मल चलो, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया है, मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर का एरिया, जिसमें केवल आपको 60-40 चलना है, छोटा सा एरिया है, उससे आप, उससे आगे आप 100 चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 से आगे जाओगे फिर ओवर स्पीड में आते हैं। ओके, धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। तो ये पुलिस का सहयोग है, आप उसकी बात को मानो। हालांकि एक मैसेज भी वायरल हुआ है कि भाई नॉर्मल पुलिस, नॉर्मल कागज चेकिंग के लिए गाड़ी नहीं रोकी जाएगी, लेकिन अगर वो नियम का उल्लंघन कर रहा है रोड का, तो हाँ उसकी गाड़ी के कागज़ ज़रूर चेक किए जा सकते हैं, चलान काटा जा सकता है। अब यही ये चीज़ उल्लंघन के मामले में खड़े हैं, ना कि नॉर्मल चेकिंग के लिए, और ये होना भी चाहिए। तो भाई आपकी क्या राय है बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।